हाय एवरीवन, नमस्ते सभी को। मैंने रिसेंटली ट्रैवल किया है वेस्ट बंगाल से कर्नाटका। एंड एज़ यू नो, बहुत सारे लोगों को डाउट होती है, जैसे कि मुझे भी हुई थी कि कैसे क्या करना है। मैं अपनी एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई होप कि ये आप सबको हेल्पफुल रहे। फर्स्ट थिंग, अगर आप कर्नाटका ट्रैवल करना चाहते हो तो आपको मैंडेटरी है कि आप एक पोर्टल में जाके, विच इज़ सेवा सिंधु, वहाँ पे जाके आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन कीजिए। और रजिस्ट्रेशन में आपको डिटेल्स जो डालनी है वो डालनी है कि आपका पर्पस क्या है ट्रैवल का, आप कहाँ थे इतने दिन से, व्हाट इज़ योर करंट एड्रेस, आप कहाँ ट्रैवल करना चाहते हो इन कर्नाटका, कहाँ आपको रहना है, ये सारी चीज़ें आपको देनी है। और आप ज़रूर जाके वहाँ पे सेवा सिंधु ऐप में जाके SOP चेक कर लीजिएगा, जो भी डिफरेंट स्टेट वालों के लिए डिफरेंट है। लाइक अगर आप 2 हफ्ते पहले जो मैं ट्रैवल की थी उसका अगर मैं आपको बताऊँ एक्सपीरियंस, तो उसमें उस SOP में था कि अगर आप मुंबई से ट्रैवल कर रहे हो तो 7 डेज़ आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन था और 7 डेज़ आपको होम क्वारंटीन था। और इफ़ दिल्ली या चेन्नई से कर रहे तो आपको 3 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन था और आपका रेस्ट फॉर जो 11 डेज़ है वो आपको होम क्वारंटीन था। बट अदर देन दिल्ली, चेन्नई और मुंबई में के स्टेट्स अगर आप आ रहे हैं, जैसे फॉर सपोज मेरे केस में मैं वेस्ट बंगाल से आई हूँ, तो इस केस में मुझे कम्प्लीटली होम क्वारंटीन था। फर्स्ट थिंग, तो आपको ट्रैवल करने से पहले मैंडेटरी आपको ज़रूरी है कि आप सेवा सिंधु ऐप पे जाके, वो कोई ऐप नहीं है, वहाँ पे जाके आप रजिस्टर कीजिए। ओके, फर्स्ट थिंग, अगर आप डिफरेंट स्टेट्स जाना चाहते हो कर्नाटका में, तो आप उनकी भी SOP एक बार पढ़ लीजिए जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है। नेक्स्ट, जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप 2 घंटे पहले पहुँच जाइए एयरपोर्ट पे। तो मैं जब ट्रैवल करके पहुँची थी एयरपोर्ट पे, तो उस टाइम पे सबसे पहले क्या हुआ था, स्टेप 1 पे मेरा बैग सैनिटाइज किया गया था। उसके बाद हेल्थ जो भी चेक है, उन्होंने हेल्थ वर्कर्स ने मेरा टेम्परेचर नोट डाउन किया। उसके बाद जाके जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने जाकर मेरी ID और मेरा बोर्डिंग पास वगैरह चेक किया। मैंने एयर एशिया एयरलाइन से ट्रैवल किया था, तो उसका जो ऐप है एयर एशिया, वो प्ले स्टोर में फाइंड कर सकते हैं। वहाँ पे जाके आप उस ऐप में बोर्डिंग पास दिखा सकते हैं, आपको प्रिंट आउट की ज़रूरत नहीं होती है। जब आपका सारा चेक हो जाता है तो आप अंदर जा सकते हैं। अंदर जाने के बाद आप सबसे पहले उस एयरलाइन जिसकी भी आपने टिकट बुक की है वहाँ पे जाइए, और उस एयरलाइन में आप जाके अपना बैगेज ड्रॉप कर दीजिए, जो भी आपका लगेज बैगेज है वो ड्रॉप कर दीजिए। उसके बाद वो लोग आपका टेम्परेचर चेक करेंगे, बोर्डिंग पास ID चेक करेंगे, और अगर आप कनाडा का ट्रैवल कर रहे हैं आपको ई पास मैंडेटरी है। अगर आपके पास ई पास नहीं है तो वो लोग आपको वापस भेज सकते हैं, तो ये ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद जो वहाँ पे सिटिंग है, वहाँ पे प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन की गई है। अल्टरनेटिव चेयर्स पे आपको बैठना है, और 2 चेयर्स के बीच में एक शील्ड लगाई गई है जहाँ पे डू नॉट सिट का बोर्ड लिखा हुआ है, एंड यू कैन नॉट सिट ओवर देयर। तो आप खुद से ट्राई कीजिए, जितना भी सेफ्टी मेजर्स ले सके आप लीजिए, हैंड ग्लव्स, मास्क और हैंड सैनिटाइज़र कैरी कीजिए। थर्ड, आपका जब बैगेज ड्रॉप हो जाता है, आप सिक्योरिटी चेक इन के लिए जाते हैं, उस समय भी प्रॉपर 6 मीटर्स तक का डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, 6 फीट तक का डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। वन थिंग इज़ दैट, और टोटली अच्छे से डिस्टेंस वगैरह सब मेंटेन किया हुआ है, तो आप आराम से, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है वहाँ पे। एंड ये प्रोसेस एकदम यूजुअल है, जो पहले से होता है। आपको अपना जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो सब बाहर निकालना है, वो सब चेक इन होने वाला है। फिर आफ्टर दैट आपका जब चेक इन हो जाएगा, उसके बाद बोर्डिंग के टाइम में जो आपका ऑफिशियल्स है, जो वहाँ पे भी आपका टेम्परेचर एक बार चेक होगा जाने से पहले, और आपको जो एक किट दी जाएगी उसमें आपका सब कुछ रहेगा, हैंड ग्लव्स रहेगा, मास्क रहेगा, हैंड सैनिटाइज़र रहेगा, एक फेस शील्ड रहेगा, ये सारी चीज़ें रहेगी PPE किट में, उसको पहन लीजिए। और जो आप ट्रैवल करेंगे उसमें भी जो एयरबस या कुछ भी बस होती है जो आपको रनवे से लेके जाती है फ्लाइट तक, तो उसमें भी
हाँ प्रॉपरली लाइक ओवर क्राउडेड नहीं मिलेगा आपको, पहले जैसे रहता था ओवर क्राउडेड वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली आपको 8 से 10 पैसेंजर्स ही मिलेंगे ट्रैवल करते हुए उस एयर बस में, और प्रिकॉशनरी मेजर्स धीरे धीरे करके एक एक करके ही प्लेन पे चढ़िएगा, और ये सारी चीज़ें हैं। सेकेंड जो मैं आपसे बोलना चाहती थी, एक बार आप जब लैंड कर गए, तो जब मैं बैंगलोर लैंड कर गई तो सबसे पहले क्या हुआ कि मैं जैसे एयरपोर्ट में एंटर की तो उस समय सबसे पहले आई हैड टू डम द मास्क और जो भी हैंड ग्लव्स वगैरह है सब कुछ मेरे को डम करना पड़ा फर्स्ट थिंग, विच मुझे पूछा गया था। नेक्स्ट पूछा गया था सबसे पहले, उसके बाद मेरा टेम्परेचर चेक किया गया था विच वॉज़ नॉर्मल, और उसके बाद पूछा गया था कि मैं किस स्टेट से आई हूँ और उसके अंदर किस जोन से आई हूँ, कौन सी मेरी जोन है, कौन सी वार्ड से मैं आई हूँ, ऐसे डिस्ट्रिक्ट कौन सा, ये सारी चीज़ें पूछी गई थी और नोट डाउन की गई थी, कौन सी फ्लाइट से मैं आई हूँ, ये सारे डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी। उसके बाद आप पे एक उन्होंने ई पास चेक किया, ई पास चेक करने के बाद उन्होंने आपके हैंड पे, जैसे मेरे केस में मुझे 14 डेज़ का होम क्वारंटाइन है और आज मेरा 11th डे है जो मैं शूट कर रही हूँ आप सबके लिए, तो उसमें हैंड पे एक स्टैम्प लगाया गया होम क्वारंटाइन का, और उसके बाद आप जा सकते थे। सो वन थिंग इज़ दैट आपको होम क्वारंटीन का स्टैम्प लगने के बाद आप कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लेके जा सकते हैं जहाँ पे आपको जाना है, उसमें कोई इशू नहीं। आप चाहिए तो कैब कर लीजिए या फिर स्टेट ट्रांसपोर्ट जो भी बसेस है आप उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। और एक बार जब आप होम क्वारंटीन हो गए हो, तो जब मैं होम क्वारंटीन हो गई थी तो मुझे एक कॉल आया था कि कुछ हेल्थ ऑफिशियल्स आएंगे और मेरे को दे विल कम रेगुलरली विजिट करेंगे, कोई अगर सिम्टम्स डेवलप हो रहा है तो वो लोग वो सारी की नोट डाउन करेंगे, चेक करेंगे। तो लाइक मेरे केस में भी 11 दिन से करीबन ऑल्टरनेट डेज पे या फिर कभी भी वो लोग आ जाते हैं एंड दे चेक की कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, कोई नहीं है। सो ये टोटल मेरा एक्सपीरियंस था ट्रैवलिंग से लेके क्वारंटाइन से लेके। सो आप बिल्कुल भी घबराइए मत, सब कुछ अच्छे से गवर्नमेंट ने सब कुछ इम्प्लीमेंट कर रखा है, और आप अपनी सिक्योरिटी अच्छे से लीजिए। और अगर आपको और कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर क्वारंटीन में कैसे हो रहा है सब कुछ, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए, ताकि मैं आगे वीडियो अपलोड करके आपको वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच, और आप सब अच्छे से रहिए, स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।